हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप होंगे खैरियत से। जैसे कि आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि टिकटॉक मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में आ चुकी है, जिसकी वजह से अब काफ़ी लोगों को कॉपीराइट का इशू आ रहा है। आपको पता है कि पहले यूट्यूब पे होता था कि आपको कॉपीराइट आ जाता था, लेकिन अब आपको टिकटॉक पे, मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ में ये भी कहता था कि आपको अब टिकटॉक पे कॉपीराइट वगैरह नहीं आया करेगा, लेकिन अब आपको टिकटॉक पे भी कॉपीराइट आया करेगा। अगर आप किसी की वीडियो उठा के अपने अकाउंट पे लगाते हैं तो 90% ये चांस है कि आपकी वीडियो पे कॉपीराइट आएगा। जरूरी नहीं कि टिकटॉक से ही, अगर आप यूट्यूब से वीडियो उठा के टिकटॉक पे लेके आके पोस्ट करते हैं तो यूट्यूब की तरफ से आपको टिकटॉक पे भी कॉपीराइट आ सकता है। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि अब आप टिकटॉक पे वीडियो पोस्ट करने से पहले आप अपनी वीडियो चेक कर सकते हैं कि आपकी वीडियो में कोई कॉपीराइट इशू तो नहीं है या आपकी वीडियो में कोई वॉयलेशन तो नहीं है। इस फीचर का उन लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा जिनके अकाउंट पे बार बार वार्निंग आ जाती है, या उन लोगों के अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, या उनकी काफी वीडियोज रिमूव होती हैं। तो ये चीज क्या, इसको सारा मैं डिटेल से आपको मोबाइल की स्क्रीन पे बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले आपने जाना है क्रोम ब्राउजर में, मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे बताऊंगा, लेकिन ये सब कुछ आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर भी कर सकते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर करने के लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में जाना है, उसके बाद आपने टिकटॉक सर्च करना है। गूगल में सर्च करने के बाद आपने वहां पर जो पहली वेबसाइट आएगी टिकटॉक की आएगी, वहां पर आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ऊपर आपको 3 डॉट नजर आते हैं जो कि क्रोम ब्राउजर में होंगे, वहां पर क्लिक करने के बाद आपने डेस्कटॉप साइड पर चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद आपकी सेम उसी तरह की स्क्रीन होगी जिस तरह की मैं आगे चल के आपको कंप्यूटर पर दिखाने वाला हूं। मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, तो मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये देखें, मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आप जब मोबाइल पे करेंगे क्रोम ब्राउजर में तो सेम इसी तरह का आपके सामने डेस्कटॉप साइट ओपन होगी। ये ऊपर मेरे पास अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे उसके बाद ये ऑप्शन आएगी। तो ये मैं चले अपलोड पे क्लिक करता हूं। अपलोड पर क्लिक करने के बाद यहां पर से मैं एक फाइल सेलेक्ट करूंगा जो कि मैंने अपलोड करनी, जिसका मुझे डाउट है कि यार इस पर कोई वॉयलेशन वगैरह तो नहीं है। तो चले मैं ये वीडियो उठाता हूं, यहां से मैंने कोई भी एक वीडियो मैं पकड़ लेता हूं, अपनी कोई भी वीडियो, चले मैं ये वीडियो उठा लेता हूं। ये वीडियो मैंने उठाई, उसके बाद मैंने नीचे जाके ओपन किया। ओपन करने के बाद ये वीडियो अपलोडिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। यहां से आपने जो भी अपनी फलां-फलां कैप्शन लिखनी है कैप्शन लिख दे। कैप्शन लिखने के बाद उतनी देर में ये आपकी वीडियो अभी देखे अपलोड हो रही है। जो आपको किस तरह पता चलेगा कि आपकी वीडियो में कोई भी वॉयलेशन नहीं है, कोई भी कॉपीराइट नहीं है, ये वीडियो पूरी अपलोड होने के बाद ही पता लगेगा। तो ये देखे वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करूंगा तो यहां पर आ रहा है रन आ कॉपीराइट चेक। ध्यान से देखें, ये देखें रन आ कॉपीराइट चेक आ रहा है। तो मैं इसको जब ऑन करूंगा, इसको मैं ऑन करूंगा तो यहां पर ये देखें ये क्या कह रहा है, चेकिंग प्रोसेस दिस विल टेक अबाउट 1 मिनट। ये देखें देखें उसी वक्त उसने कह दिया नो इशू डिटेक्टेड, भी मेरी वीडियो में कोई इशू नहीं है, मेरी वीडियो बिल्कुल ओके है। उसके बाद मैं यहां से भी पोस्ट कर सकता हूं। अगर आप यहां से रिवर्स जाके मोबाइल से अपलोड करना चाहते हो तो आप मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा मैंने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए हर किस्म की वीडियो लगाई हुई है आप लोगों की हेल्प के लिए। आप देखें मेरे पूरे यूट्यूब चैनल पर हर किस्म की वीडियो पड़ी हुई है, जिस तरह की भी आप हेल्प चाहते हैं हर किस्म की आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना जरूर है कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे लगाऊं। राबता करने के लिए बायो में लिंक है, वहां पर क्लिक करें। इसके अलावा स्क्रीन पर 2 वीडियोस और नजर आ रही है, वो भी जरूर देखिएगा।